लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। यार कोहली फैंस यार मतलब ऐसे कहोगे कि तुम लाइफ खराब हो गया। भाई अभी है मैचेस, सुपर एट में देखना, किंग से बढ़िया कोई नहीं खेलेगा। क्या लग रहा है विशाल? नहीं सुपर एट की बात करेंगे क्योंकि अभी बात मैचेस हैं, टीम इंडिया क्वालिफाई करी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से क्वालिफाई करी है वो भी देख, कैसे इंडिया ने खेला क्रिकेट पूरा। यार अच्छा खेला है अगेंस्ट पाकिस्तान, हमने बहुत बढ़िया विक्ट्री ली क्योंकि हमारे बॉलर्स चले, बैटर्स ने काम नहीं किया, जो कि 160 जाना था हमारे बैटर्स चोक कर गए वहां पे। अगेंस्ट पाकिस्तान के फंसते हैं हमेशा, कोई रीजन है इस बात का? कोई रीजन नहीं है यार। क्या 2022 में 31 पे चार थे, यहाँ भी हमारी पार्टनरशिप नहीं होती, हम यहाँ पे कितने हुए थे, विराट आउट, रोहित आउट, उसके बाद हमारे क्या शिवम दुबे ने क्या करा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, फिर से चार विकेट। क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है? पंत अक्षर थे, पर ये क्या बड़े मैच में बना देंगे? 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्या हुआ, 10 विकेट से क्यों आ रहे हैं वो? पंड्या की बड़ी लीग नहीं आती तो क्या इंडिया इतने भी बनाती, 160 भी बना लेती तो भाई वो तो जीत गया। हमारी बॉलिंग अच्छी थी, हम लोग रोते थे कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, डिफेंड नहीं कर पाए, डिफेंड करके दिखा दिया ना, और क्या चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ओपन कराया, विराट को शायद ओपन नहीं कराना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। क्या बात कर रहे हो, एज ओपनर क्या बढ़िया खेलता है विराट, एज ओपनर जो रिकॉर्ड है इंडिया के लिए वो अच्छे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आके पिछले 3 मैच हो गए, वर्ल्ड कप में इतने मौके नहीं मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वर्ल्ड कप में तुम 3 फ्लॉ दे दो उसके बाद सोचो कि यार इसके बाद भी कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तो विराट है, मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूं कि कमबैक कर लेगा सुपर 8 में जाके, लेकिन विराट से मैं ऐसे फ्लॉप एक्सपेक्ट नहीं करते यार। वो आके पिच देखो ना, वो बंदा तो अरे विराट के लिए, विराट के लिए जब हमने बात की थी वर्ल्ड कप में विराट से बढ़िया बैट्समैन कोई नहीं होगा, फ्लोरिडा के स्लो पिच पे विराट कोहली रन बनाएगा, विराट के रन क्या है 3 मैच 5 रन, फ्लोरिडा में थोड़ी हुए मैच, अरे फ्लोरिडा में नहीं, न्यूयॉर्क में हुए हैं, न्यूयॉर्क की पिचों पे विराट कोहली स्लो विकेट पे विराट कोहली रन बनाएगा। तो विराट कोहली को जब बोल दिया गया कि भाई तू अपने आईपीएल मॉडल पे खेल, अग्रेसिव खेल, तो उसी तरीके से विराट अगर विराट अपना नेचुरल गेम खेलता, उसको बोला होता तो वो खेलता अच्छा। विराट की नेचुरल गेम क्या है, स्लो खेलना? दो मैच हो गए पिछले जहाँ रन नहीं बने, इस मैच में भी जहाँ सेम न्यूयॉर्क के पिच पे खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद रिजवान साहब ने 50-50 बॉल लेके 50 बनाई है, तो विराट कोहली क्यों बॉल्स नहीं ले सकते? रोहित शर्मा भी तो बॉल्स ले रहे हैं, हर कोई ले रहा, तो अपनी गेम खेलो ना यार, स्लो विकेट स्लो के अकॉर्डिंग खेलो, बोल रखा होगा ना नहीं होगा, पर ना ये बात होती हो ही सकती। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने मैच देखा होगा, विराट कोहली ऐसा लग रहा है कि खुद से ही ज्यादा एग्रेसिव खेलना चाह रहे हैं, विराट का गेम ऐसा नहीं है, विराट ने आईपीएल में बहुत इंटेंट दिखाया है, लेकिन ऐसे इंटेंट नहीं देखा हमने कि भाई पहली बॉल पे गंदी बॉल पे भी उसने, मैं बता रही हूं इसी इंटेंट से खेलेगा वो बंदा, फ्लोरिडा में अगर वॉश आउट भी होता है ना तो सुपर 8 में इसी इंटेंट से खेलेगा, इसी तरीके से कोई डाउट नहीं है, डाउट कोई नहीं है विराट से, लेकिन विराट जैसे बंदे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जैसे इनिंग्स खेले, हर बार रन बनाता है वो बंदा, लेकिन विराट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बड़े मैच में रन करेगा। एक तो मुकाबला होगा ना जहाँ पे वो नहीं बनेगा। एक मुकाबला यार, हम 2-3 मुकाबले, सिर्फ 5 विराट कोहली से, मोहम्मद सिराज उससे अच्छा खेल लेगा इस टाइम पे। कल खेला तो नहीं भाई, लेकिन सबसे पहले बात करते पाजी, तो यार सिंह साहब दी ग्रेट, मतलब मजा आ गया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, जो जिन लोगों ने उस बंदे को इतना ट्रोल किया, जो पाकिस्तान से भी इतनी सारी चीजें आ रही थी कि ये मत करो मत करो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलते, सबके मुंह पे ताला लगाना का किसी ने दिखाया है ना अर्शदीप। बेस्ट बॉलिंग फिगर इन T20s फॉर टीम इंडिया इन वर्ल्ड कप, और खास करके अर्शदीप के लिए भी उसका बेस्ट बॉलिंग फिगर आ गया, 4 विकेट सिर्फ 9 रन पे, जसप्रीत बुमराह 25 रन दे रहा है 4-4 ओवर में, वहां पे भाई अर्शदीप विकेट नहीं मिली है ये था अर्शदीप सिंह ने, अर्शदीप को बता दूं मैं, उसने लगभग इस वर्ल्ड कप में 3 मैच खेला 7 विकेट निकाल दिए हैं, 4 पहले में 2 और पाकिस्तान वाले में 1। यार वो बंदा क्या सही खेलता है पता है, मुझे लगता है कि उसको ना अभी तक इतना नाम दिया नहीं गया, तो वो बंदा तब से आया है, उसने एशिया कप खेला है, T20 वर्ल्ड कप में उसे खिलाया है, कोई उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा यार। आई थिंक मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन टीम इंडिया वो होगा हर्षदीप सिंह, उसने बंदे ने डिफेंड करा है, आप याद करना भूवी था वहां पे, भूवी को उस टाइम पे टाइम खराब किया था, नहीं तो नो डाउट वो भी बहुत अच्छा गेंदबाज एक टाइम के लिए, अभी मुझे लग रहा है कि न्यूयॉर्क की पिचेस में ना भूवी बहुत अच्छा रहता, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम देखो भूवी अगर 19वें रन ओवर में इतने रन देने के बाद भी हर्षदीप उस टाइम पे भी डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता था, अभी भी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी करता है वो, तो यार वो एशिया कप 2023 और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 में लोगों को बहुत कम याद होगी उसकी मेमोरीज, 2022 वर्ल्ड कप में उसने कितना अच्छा किया है, पाकिस्तान के मैच में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नॉक आउट किया था 22 में, 2023 में मौका नहीं मिला क्योंकि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में उसे सेलेक्ट करते हैं, पता नहीं वनडे वर्ल्ड कप में क्यों उसे लेके नहीं जाते। 22 में तुम देखो ना बुमराह की कमी नहीं, कमी वही मैं कह रहा हूँ ना, 2022 और 24 में वो 2 T20 वर्ल्ड कप खेल गया, लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसने अपना नाम धीरे धीरे बना लिया टीम इंडिया के लिए, और आने वाले टाइम में ये सुपरस्टार बनेगा टीम इंडिया का बुमराह के बाद, नो डाउट दैट, बहुत बेहतरीन, और उसके अलावा बेहतरीन जो है ना गेंदबाजी की है हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या उस बंदे को तुम कितना ट्रोल कर लो, कितना कुछ बोल लो, उसके लुक्स पे बोल लो, कुछ कर लो, लेकिन
उस बंदे ने जो टीम इंडिया के लिए किया है ना, विराट के बाद मुझे नहीं लगता कि करंट प्लेयर्स में कोई ऐसा होगा जिसने परफॉर्म करके दिखाया। बैटिंग में विराट और बॉलिंग में बुमराह, और कहाँ है वो बंदे, मैं भी बात कर रहा हूँ बुमराह की, और कहाँ है वो बंदे जो कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या की इस टीम में जगह नहीं मिलती। हार्दिक पांड्या भाई बेस्ट है क्लच सिचुएशन में, विराट के बाद सबसे बेस्ट ऑलराउंडर वो होगा। 2022 में चले जाओ, उसके बाद 1000 चैंपियंस ट्रॉफी चले जाओ, उस पर हमने स्पेशल वीडियो भी करी हार्दिक पांड्या भाई, वीडियो जरूर देखना, बहुत प्यारी वीडियो बनी है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया विशाल ने कि किस तरह से हार्दिक पांड्या का जो ये डाउनफॉल और ट्रांजिशन की बात होती है, लोग उसे कंसिडर नहीं करते, बट आई विल कंसिडर हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन दिस करंट टीम इंडिया। मैं कहता हूँ वो बंदे कहाँ है जो उसको ट्रोल करते थे। हाँ भाई अब क्या हुआ, अब तुम ही ताली बजा रहे हो हार्दिक हार्दिक करके चिल्ला रहे हो कि भाई विकेट ला रहा है, बुमराह नहीं ला रहा है, फिर आपका सिराज नहीं ला रहा है, सब वो भूल जाओ, मुंबई आरसीबी चेन्नई वाली चीज वो 2 महीने का क्रिकेट है यार, उसको मत याद रखा करो इतना, वो आप सिर्फ एंजॉय करो, जैसे आरसीबी का फैन है ये चेन्नई की है, हम ट्रोल करते रहते हैं, एट द एंड टीम इंडिया इंपॉर्टेंट है, और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया ना यार, बहुत बेहतरीन, एक्सेप्शनल भाई, बड़ा मजा आ गया देख के। और इसके बाद अगला नाम सूर्य कुमार यादव। सूर्य के लिए मैंने पहले बोलता भाव क्या कर रहे हो यार, लेकिन भाव ने करके दिखा दिया, भाव ने बोला रुक जाओ यार पढ़ना बोल रही है तो मैं काम करता हूँ, भाव ने बाकी टीम को भाव कर दिया बिल्कुल। तो सूर्य कुमार यादव टॉप नॉच मैं कहूंगी, क्योंकि सूर्य को लोग जानते हैं कि भाई वो बहुत लंबे स्ट्राइक रेट से खेलेगा, 150 से ऊपर से खेलेगा, इधर उधर मारेगा, बट बहुत आराम से रुक कर अपना वो सिंगल डबल्स, ऋषभ पंत के साथ में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई है, और ऋषभ पंत के साथ भी यही दिक्कत है कि वो आता है बंदा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये उड़ाना है, अगर उसके आ गई है उसके रेंज में बॉल तब तो उड़ाएगा, लेकिन ऐसे भी वो कोशिश करते हैं कि भाई मारना है मारना है मारना, वो चीज दोनों की तरफ से अच्छी लगी, रनिंग बिटवीन अच्छी की है, आराम आराम से खेला है और स्कोर अच्छा। आई थिंक ऋषभ पंत के लिए खास बात यही है कि उसको नेचुरल गेम खेलने का मौका मिल रहा है और वो अच्छा कर रहा है इसी तरीके से, और वो करेगा यार, जब तक वो खेलेगा ना, इंडिया के लिए मोस्ट स्कोर हो गया इस वर्ल्ड कप में। हां उसके वो बहुत सही, और शायद जो लोग डाउट कर रहे थे कि ऋषभ पंत यार ना अभी इंजरी से आया तो वो फॉर्म में ना हो, उसके रन ना बने, ये वो सब चीजें पता लगा मारते हैं उसने, और ऋषभ पंत एक स्पेशल वीडियो बता दे हमने वो भी कर रखी है जो मतलब इंडिया के राइजिंग स्टार जो निकल के आ रहे हैं, हमने सबके ऊपर वीडियो करा हुआ है, आप लोग जरूर क्रिकेट जींस पे जाके वीडियो सेक्शन में जाएं, वहां देखें आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार मिल रही है। रोहित शर्मा पे भी इन्होंने एक वीडियो किया फेलियर की, इनका मानना है कि वो इस बार कमबैक करेंगे, मुझे नहीं लग रहा भाई नहीं कमबैक करेंगे, जैसे हमने विराट के लिए बोला वैसे हमको रोहित पे भी टच दिखाना पड़ेगा, रुकने 50 है ऑलरेडी, 150 है इसी पिच पे, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि विराट को टाइम लग रहा है, थोड़ी स्लो पिच है, यहाँ पे रोहित ने 50 बनाया है, और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी टीम का केस है, ठीक है पर रन होते हैं, आपने अभी बनाए हैं, नहीं नहीं इस वाले वर्ल्ड कप में जो हमारे तीन मुकाबले हुए हैं ना, कोई टीम बड़ी कोई टीम छोटी नहीं है, वो सब बराबर है भाई, अगर स्कॉटलैंड उसके बाद अफगानिस्तान ये टीमें आगे निकल रही है, न्यूजीलैंड और अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंग्लैंड से, तो मुझे मेरा मानना है कि भाई हर टीम इक्वल है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को लाले पड़ रहे भाई क्वालिफिकेशन के, और क्या चाहिए पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से, खैर वो तो छोड़ो ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तुमने बोल दिया और विवाद हो गया, विवाद हो गया तो ठीक है फिर भी, लेकिन यार जिस तरीके से पाकिस्तान आ रही है, यूएस ने कमबैक किया, अब पाकिस्तान के लिए भी बढ़िया कि हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना है, जाना पड़ेगा दूसरों के द्वार पे, अब इंडिया ने तो दिया नहीं कुछ, हम तो हो गए भाई क्वालिफाई, ठीक है अब आता है फ्लोरिडा वाला वॉश आउट कहा जा रहा है, सुपर एट होगा, सुपर एट में भी सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया कल की टीम मिलने वाली है, लेकिन बच के बाकी से भी रहना पड़ा, अफगान से आप डर के रहो भाई, गेंदबाजी में उन्होंने जो काम किया है ना, कारनामे किए हैं, अगर अफगानिस्तान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को घुटने पे ला सकते हैं तो इंडिया को भी छोड़ेगी नहीं आराम से, और अफगानिस्तान में मुझे लगता है कि सेकंड बेस्ट एशियन टीम हो गई इस टाइम पे, पहले इंडिया, पाकिस्तान का नाम अब खत्म हो चुका है, दूसरे नंबर पे अब आ गई अफगानिस्तान, अफगानी लोग प्राउड ऑफ यू बिल्कुल। चलो ये तो हुई हमारी इन सबकी बात, लेकिन गेंदबाजों में सिराज को क्या हुआ, सिराज को मुझे नहीं पता, मैं तो उसको 2022 IPL से देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहा है वो बंदा, इनका पर्पल कैप होल्डर हो गया, मेरा पर्पल कैप होल्डर था 2000 का, मेरे को लग रहा था कि वो लेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने फ्रॉड बनाया ना वो क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग है उसकी, मेरे को देख के मजा ही नहीं आ रहा, मतलब वो सिराज जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट खेलता दिखता था 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में, उससे पहले एशिया कप में यार 50-50 ऑल आउट करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मोहम्मद सिराज का था, मोहम्मद सिराज अगर गेंदबाजी करता है, लेंथ हिट करता है तो उसको विकेट मिलेंगे, पर पता नहीं वो काम कैसा हुआ। चलो आपको क्या लगता है आप हमें बताओ, अपनी राय बताओ फटाफट से, और इंडिया यहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गई, इंडिया के सारे पर फिर से वो येलो वाला जो ब्लू है ना हमें फेवर जो है वो दिखने वाला है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फिर सामने होंगे ग्रुप स्टेज में, और इस बार सुपर एट में क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को भारी पड़ेगा वो देखना हमें काफी दिलचस्प होगा, बहुत जरूरी है भाई, तुम ऑस्ट्रेलिया को हराओ यार, मतलब क्या कर रहे हो, लेकिन दिक्कत पता क्या है हमारा असली टेस्ट अभी हुआ भी नहीं, असली टेस्ट कहाँ हुआ है हमारा, असली पाकिस्तान वाला मैच, और जो तुमने बात बोली कि बैटर सिर्फ मैच में रन बना सकते हैं, बॉलर्स मैच जिताएंगे, बॉलर से मैच जिताया पाकिस्तान वाला, हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बैट्समैन को काम है रन बनाना, अगर उन्होंने 180-190 बनाया बाकी फ्लैट विकेट पे डेलास पे या फिर फ्लोरिडा में, तो इंडिया आराम से इस वर्ल्ड कप को उठा सकता है, हम जीत रहे हैं, हो सकता है हम जितना अच्छा खेल रहे हैं जीत भी सकते हैं, अब ये गलतियां जो एरर है विराट कोहली बना दे, तो कह रही है कि बना देगा, मुझे भी थोड़ा बिलीव है निशान से भी थोड़ी बैच हुई कि बना देगा, लेकिन देगा और बना दिए भी बड़ा अपना फर्क है,
अगर विराट बना देगा तो अच्छा, मैं खुद चाहता हूँ कि विराट अच्छे नोट पे T20 वर्ल्ड कप खत्म करे। ट्रॉफी तो लेके आए, विराट के पास एक ऐसी ट्रॉफी है जो नहीं है, वो है T20 वर्ल्ड कप की। हाँ 14 में 319, 16 में टूर्नामेंट, 21 में जाके रन नहीं थे क्योंकि हम से बाहर हुए, 22 में इंडिया के लिए मोस्ट रन स्कोर लगे 296। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। आप लोग कमेंट बॉक्स में डिजर्व करते हैं, इतने सालों से खेल रहा है वो, मतलब पहले से लेकर आखिरी तक अभी तक खेल रहा है। तो चलो आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें फटाफट से बताओ। हमारी पिच ऐसे इसलिए लो हुई क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हमें दिखाई दी। अब ये जैसी हाई हो जाएगी ना, हमारी पिच भी हाई जाएगी क्योंकि हम चिल्लाएंगे यार दो इंडिया को, क्योंकि इंडिया अच्छा कर रहा है और हमें बिलीव है कि इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, आपको ऐसे सेशन अच्छे लग रहे हैं फिकनी जींस पे, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। आपसे ऐसी और नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए क्या करना, जय हिंद वंदे मातरम।